हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दो दिन से मैं परेशान हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी बाइक की चाबी नहीं मिल रही थी। फाइनली आज सुबह जाके मुझे चाबी वापस मिली। सो यार, आज मैं एक छोटी सी राइड करने वाला हूँ रामशहर किले के लिए, जो यहाँ से थोड़ा ही दूर है। वैसे मैं आज सुबह जाने वाला था, बट बारिश बहुत तेज़ हो रही थी सुबह से। सो अभी जाके वेदर क्लियर हुआ। वैसे भी मेरे साथ जाने के लिए कोई भी नहीं है, मैं अकेला जा रहा हूँ। सो चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर बाइक पे। मैंने 7-8 दिन के बाद आज बाइक निकाला होगा रोड पे। सिंगल रोड में जो बाइक चलाने का मजा है ना यार, वो डबल रोड में नहीं है, हाईवे में नहीं है। गाइस, ये स्टार्ट होगी अपनी रामशहर की मार्केट। और तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट स्टिल मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। अदरवाइज़ जो चीज़ें यहाँ नहीं मिलती वो हमें नाला जा कर लेनी पड़ती हैं, बट काफ़ी कुछ मिल जाता है यहाँ पे। ये रोड जाता है शिमला के लिए नीचे को। यह है रामशहर का मेन बस स्टैंड, छोटा सा है बट गुड। एंड आई हैव टू टेक राइट फ्रॉम हियर, दिस रोड गोज़ टू नालागढ़। ये रोड होता है क्रॉस रामशहर स्वारघाट। वैसे रामशहर का जो किला है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 किलोमीटर समथिंग है। सच में यार, अगर आप लोग नहीं होते मेरे साथ या मुझे वीडियो नहीं बनानी होती तो शायद मैं नहीं जाता अकेले, में इतना मज़ा नहीं आता। मतलब आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करके यार कुछ एक्स्ट्रा मज़ा आता है। और मतलब मुझे 1% फील नहीं होता कि मैं अकेला जा रहा हूँ, ऐसा फील होता है कि मेरे साथ बहुत लोग जा रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट टर्न होके आगा है रामशहर फोर्ट। ये देखो, ओ यार ये तो बहुत ही नैरो रोड है यार, रोड का रास्ता ही लग रहा है। तो सिर्फ एक कार एक टाइम पे जा सकती है, बाकी कुछ भी नहीं जा पाएगा यहाँ से। लाइफ यार नाम ही उस चीज़ का है जिसमें आपको अकेले सर्वाइव करना पड़ता है, जैसे कि मुझे आज अकेले जाना पड़ रहा है। रोड देखी इतना सा है यार, यार सच में गाड़ी आ गई, मुझे रुकना ही पड़ेगा भाई साहब। ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया। सच में यार मैंने बोला था ना कि अगर एक भी गाड़ी आई तो मुझे साइड होना पड़ेगा, और वही बात है, मुझे साइड होना ही पड़ा यार, रुकना पड़ा। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ रामशहर फोर्ट में। एज यू कैन सी देयर इज अ फोर्ट। और आज मुझे गाइड करने वाला, आपका क्या नाम है? बलवंत सिंह। बलवंत सिंह, इनके साथ आज हम पूरा किला घूमेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को भी। वाव यार, यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है बहुत अच्छा सा, और सामने ही सूरज निकला हुआ है। सो इस वेदर में नहाने का शायद ज़्यादा मज़ा आएगा, बट अभी लॉकडाउन या फिर कोविड करके यहाँ पर नहाना भी मना है। वाव यार गाइस, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से।
जिम भी है अंदर, बट अभी कोविड करके वो भी बंद है। पहले से काफ़ी कुछ डेवलप हो गया है यहाँ पे, पहले इतना कुछ नहीं था बट अभी तो काफ़ी कुछ बन चुका है। जिम बन चुका है, पूल बन चुका है। गाइस यहाँ पर अंदर में एक गुफा भी है, इस टनल में भी जाना है। लाइट्स है इसके लिए डर नहीं लग रहा है, अदरवाइज टनल के अंदर थोड़ा रिस्की से लगता है। काफ़ी स्पेस है बट थोड़ा झुक के चलना पड़ता है। वैसे कुछ सीन ऐसा था इस फूड का, ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्ट हुआ था ये, पहले बिल्कुल भी टूटा हुआ था। देखो कैसे करके पत्थर पड़े हुए हैं। तो गाइस ये अंकल बोल रहे थे कि ये किला 500 साल से ज़्यादा पुराना है, काफ़ी अच्छा था उस टाइम के हिसाब से भी, बट इस टाइम तो काफ़ी कुछ इसमें चेंज कर दिया। ये वाला जो रूम है वो रानी जी का था, एज यू कैन सी यहाँ पर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ बनी हुई हैं और शायद बहुत पुरानी बनी हुई है ये फ़ोटोज़। ये वाले रूम्स रानी जी के थे। ये वाला सबसे टॉप वाला पोर्शन है इस किले का। सो यहाँ से नज़ारा देखो यार, बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया देखने को मिलता है। अजीब सी उस साइड को नीचे जाके आपका नालागढ़ है, एंड ये वाला पोर्शन रामशहर का है, और ये टावर्स हैं, यहीं से नेटवर्क आता है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे अंदर काली माता जी का मंदिर है, और जो यहाँ के राजा जी थे वो काली माता जी की पूजा करते थे। थोड़ी बहुत इसमें मरम्मत की हुई है, अदरवाइज ये भी 500 साल पुराना है। पूरा व्यू रामशहर फोर्ट का, और बहुत अच्छा है अंदर से। यहाँ पर विजिट करने की कॉस्टिंग 350 रुपीज़, मतलब 350 रुपये देने पड़ते हैं। उसी में आपको पार्किंग मिलेगी और आपको एक गाइड भी मिलेगा जो आपको पूरा अंदर घुमाएगा। सो यहाँ पे आप लोगों को इजीली रहने के लिए रूम भी मिल जाएगा। द कॉस्ट ऑफ दिस रूम फॉर अ नाइट इज़ 8,000 रुपीज़। थोड़ा कॉस्टली है बट फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ, और काफ़ी मज़ा आया रामशहर फोर्ट में। बहुत कुछ घूमने लायक है, काफ़ी अच्छी जगह है, और मस्ट रिकमेंडेड है अगर आप लोग यहाँ पे आते हो रामशहर साइड, या फिर यहाँ से लोकल भी हो तो आप लोग जा सकते हो। गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। सो गाइस मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।